थानाहारी प्रभा क्षेत्र में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। गढ़ी भदौरिया की रहने वाली संध्या का विवाह 8 दिन पूर्व ही हुआ था। गुरुवार की सुबह उसका शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। पुलिस मौत का कारण जानने का प्रयास कर रही है। थाना हरि पर्वत क्षेत्र में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने हत्या कर शव फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है। त्रिवेणी नगर गढ़ी भदौरिया के रहने वाले आनंद कुमार की बेटी संध्या भुग्गू की शादी 29 नवंबर को रतनपुरा रिंग रोड के रहने वाले ज्ञानेश के साथ हुई थी। अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी। संध्या ससुराल वालों के सदस्यों के बारे में भी जानकारी नहीं कर सकी। इससे पहले ही उसकी मौत हो गई। भाई सुमित ने हत्या कर शव पंखे पर लटकाने का आरोप लगाया है। रात को 12:05 पे पापा जी सो रहे थे, हम सब लोग सो रहे थे, तो पापा जी के पास कॉल आता है उनकी सासू का कि आपकी लड़की ने फांसी लगा ली है। बस उसके बाद उन्होंने फोन कट कर दिया। इतने में हम सब लोग जाके उनके घर पहुँचे, देखा वहाँ पर जाके कि सब लोग जो है नशे की हालत में धुत थे, और जो है हम लोगों ने पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँचा, फिर उनके सहयोग से हमने दीवार कुंडी तोड़ी। भाई सुमित का कहना था कि विवाह के बाद संध्या को भाई अपने घर लेकर आए थे। इसके बाद मंगलवार को पति ज्ञानेश अपने दोस्त मोहित के साथ गढ़ी भदौरिया आया और संध्या को विदा करा कर ले गया था। बुधवार की रात संध्या की सास कृष्णा का फोन आया कि संध्या ने फांसी लगा ली है। परिवार के लोग पहुंचे तो संध्या पंखे पर लटकी हुई थी। दरवाजा तोड़कर पुलिस ने शव नीचे उतारा था। अभी मेरी सिस्टर की शादी को 8 दिन करीब हुए, उन लोगों की डिमांड थी, हम लोगों ने गाड़ी वगैरह 4-व्हीलर वगैरह दी थी, जिसमें कि हमने एल्टो A10 दी थी। उन लोगों की डिमांड थी कि हमें आप जो है टाटा पंच दें, और जो है हम लोगों ने 2.5 लाख रुपए कैश दिया था, तो उसके लिए उनका कहना है कि आपसे हमारी 5 लाख की तय हुई थी, लेकिन तय जो है हमारी 2.5 लाख की हुई थी देने के लिए, ठिया जो बोलते हैं, उन्होंने 5 लाख की डिमांड रखी लड़की से। आरोप लगाया गया है कि शादी में ऑल्टो गाड़ी दी थी, लेकिन ससुराल वाले महंगी कार और 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। भाई ने दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने पति समेत कई ससुराली जनों को हिरासत में लिया है। पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होगा। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।